आज ही गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही भाई। अभी मैं घर से लेके आया तो सही सलामत थी, और पता नहीं इसकी बैटरी कैसे डाउन होगी भाई। मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, किसकी नज़र लग रखी है। पर भाई गाड़ी छोटी बड़ी और ये सामान वगैरह मेरे को रिक्शे में ले आना पड़ रहा है। लूना को मैंने बताया ना कटिंग कराई, मतलब कटिंग तो चलो ठीक है, बट जहाँ से कटिंग कराई उसने ना मतलब यहाँ पर कानों के पास गुच्छा सा बनाया हुआ था थोड़ा सा ना बालों का, तो उसके साथ साथ थोड़ा मांस भी काट दिया उसने। हे गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा मार्केट। पापा का फ़ोन में पता नहीं ये वन प्लस के डिवाइसेस में क्या दिक्कत आ रही है, ग्रीन लाइन या फिर पिंक लाइन आ रही है, तो देखते हैं कस्टमर केयर वाले क्या बोलते हैं। वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया है, 3-4 साल हो गए मेरे को ये फ़ोन लिए हुए, मतलब मेरे ही फ़ोन थे पहले, तो पापा यूज़ कर रहे हैं अब। बाकी लूना का हेयर कट भी करवाना है आज, मतलब मैं तो सोच रहा हूँ पूरा वैसा नहीं कराएंगे बट वहाँ जाके देखते हैं। अभी मैं सोच रहा थोड़ा ग्रूमिंग से करा दूँगा ताकि उसके बाल भी ना झड़े, और वहाँ नाखून वगैरह भी कटवा के लाएंगे ना इसके, क्योंकि घर में तो काट नहीं सकते नॉर्मल, नेल बहुत बड़े हो गए हैं इसके। तो चलते हैं देखना, जैसे पापा गए वैसे आगे आ गई। तेरे को कहाँ की जल्दी हो रही है भाई, हैं तेरे को कहाँ की जल्दी हो रही है, क्या मैं नहीं हूँ तेरे साथ ओए पागल। यहाँ देखना इसके बाल इतने वो हो गए ना, फिर थोड़ा बहुत टचिंग कराएंगे। पापा को देख रही है, देखना कहाँ जा रहे बोलिए, ले लूना देखना आजकल लग रहा पापा जी से ज़्यादा प्यार मिल रहा है इसको। ओए यार देख ही नहीं रही भाई मेरी तरफ। नो गाइस फाइनली लूना ही कटिंग करा के आ गए हैं, काफ़ी टाइम लग गया और उसको थोड़ा कट भी लग गया, खेल रहे थे ना काफ़ी, तो बालों का गुच्छा बना हुआ था उसके साथ थोड़ी स्किन में कट लग गया। तो गाइस कल तो हवा निकल रही टायर की, आज ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही भाई। अभी मैं घर से लेके आया तो सही सलामत थी, और पता नहीं इसकी बैटरी कैसे डाउन होगी भाई, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, किसकी नज़र लग रखी है, पर दिक्कत में दिक्कत आई जा रही है। अभी मैं जस्ट पापा का फ़ोन लेके निकला था सर्विस सेंटर से, और यहाँ मैं अटक गया हूँ। तो अभी मैकेनिक का वेट कर रहे हैं, फिर देखते हैं क्या बोलता है। गाइस वही हुआ है, बैटरी डेड हो रखी है, पता नहीं कैसे होगी, शायद इतने दिन खड़ी थी तब होगी। अब आए मैकेनिक तो वो देख रहा है, दिक्कत ही दिक्कत हो रही है यार, पता नहीं क्या हो रहा है। थोड़ी सी गाड़ी छोटी बड़ी और ये सामान वगैरह मेरे को रिक्शे में ले आना पड़ रहा है, तो गाड़ी सुबह सीधे मैकेनिक के यहाँ से मिल जाएगी। बहुत स्ट्रगल है भाई, दिन ख़राब होता है ना जब सब चीज़ें ख़राब होती है। देखना कल ये मेडिकल कैंप के लिए दवाई है ना, कल मेडिकल कैंप लगा रहे हम, तो उसका ही सामान है। वैसे इतने टाइम बाद रिक्शे में बैठ के अच्छा लग रहा है। पूरी गली सुनसान हो चुकी, कुछ नहीं कुछ कोई, सब बंद हो गए इधर। गाइस आज का दिन ना अच्छा नहीं जा रहा है बिल्कुल, मतलब पहले तो गाड़ी वाला मतलब सुबह भी हो गया था, लूना को मैंने बताया ना कटिंग कराई, तो मतलब कटिंग तो चलो ठीक है बट जहाँ से कटिंग कराई उसने ना मतलब यहाँ पर कानों के पास गुच्छा सा बनाया हुआ था थोड़ा सा ना बालों का, तो उसके साथ साथ थोड़ा मांस भी काट दिया उसने, कैंची से काटा क्योंकि वो काटने नहीं गई थी, तो अब उसको दर्द हो रहा होगा बेचारे को। अब वो देखना बार बार खुजली कर रही है, तो कल फिर से ले आऊँगा उसके पास ना, क्योंकि मेरे को वहाँ पर लगा क्योंकि बाल थे वहाँ पर तो इतना पता नहीं चला, तो घर आके देखा तो थोड़ा ज़्यादा कटा हुआ था, तो कल बोलूँगा। ऊपर से साल ने दवाई के चार्जेस भी दिए, कल तो जाके बोलना पड़ेगा, और ऊपर से अभी गाड़ी ख़राब होगी, जब दिन अच्छा नहीं होता ना सब कुछ ऐसे होता है। बाकी देखते हैं अभी इसकी दवाई वगैरह देख लगानी पड़ेगी, तब जाके थोड़ा ठीक होगा। सो गाइस फाइनली करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं अच्छे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का दिन बिल्कुल तो अच्छा नहीं जा रहा, तो वो और ब्लॉग करने का मन भी नहीं कर रहा, करते हैं मैं इस ब्लॉग को एंड। बाय बाय।